नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में मुक्का प्रोटीन लिमिटेड स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी लिस्टिंग आज ही होते दिखी है। इस समय ये स्टॉक 42 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आज ही लिस्टिंग थी, 50% के आसपास का गेन दिख रहा है। हालांकि लोअर लेवल को भी स्टॉक ने टच करा। इसके स्ट्रेंथ को देखेंगे तो एनुअल जो अर्निंग पर शेयर है वो ग्रोथ है, 52 वीक हाई पे है। इफेक्टिवली जो कैपिटल है उससे कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इम्प्रूव हो रहा है पिछले 2 ईयर से। इसके बाद जो मैनेजिंग एसेट्स है उसके थ्रू कंपनी प्रॉफिट काफ़ी जनरेट कर रही है। रिटर्न ओवर असेट्स देखेंगे तो कंपनी एबल टू जनरेट नेट कैश कंपनी जनरेट कर रही है, मतलब प्रॉफिटेबल है। एनुअल नेट प्रॉफिट पिछले 2 साल से इम्प्रूव होते दिख रहा है। वीकनेस में देखेंगे तो क्या वीकनेस दिख रहा है, पुअर कैश जनरेटेड फ्रॉम कोर बिजनेस, जो इसका कोर बिजनेस है वहां से थोड़ा कैश एक्सपेक्टेशन को नहीं बीट कर पा रही है। डिक्लाइनिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम लास्ट 2 ईयर। और दूसरी एक ये चीज है कि ये मछली वाले प्रोटीन का काम करती है, जो थोड़ा बहुत जो वेगन है या जो नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं वहां उस मार्केट शेयर को ये कैप्चर नहीं कर सकती है। लेकिन 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 यहाँ कामकाज तो समझ गए, 2003 से इनकॉर्पोरेट है। और यहाँ देखेंगे मैन्युफैक्चर क्या करती है, फिश प्रोटीन प्रोडक्ट लाइक फिश मील, फिश ऑयल, फिश सोल्यूबल पेस्ट जैसा प्रोटीन बनाने का काम करती है। अच्छी बात यह है कि कंपनी के अगर सेल्स देखें तो 2019 से 23 में लगभग सेल्स डबल कर लिए हैं। कंपनी का ओपीएम ठीक ठाक ही है, बहुत बेहतर तो नहीं कहेंगे। नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो 3 टाइम्स के ग्रोथ दिखे हैं और मुझे लगता है कि ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। 2 लाख का वॉल्यूम रहा, 2,51,000 बाइंग दिख रही है। और जो छोटे प्राइस के शेयर होते हैं ना, वहाँ काफ़ी लोगों की दिलचस्पी दिखती है। और यहाँ मैं इसको 2 आवर के चार्ट पे लेता हूँ। छोटे प्राइस के शेयर, चूंकि बहुत सारे हमारे ट्रेडर ऐसे हैं जो कम पैसे से ट्रेड कर रहे हैं रिटेल सेगमेंट में, जिसके कारण मुझे लगता है कि पोटेंशियली यहाँ देखेंगे इसने लोअर सर्किट टच करा, इसके बाद क्लोजिंग ऊपर रही है। तो मुझे लगता है कि 38-42 के बीच के अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 18-120। ये फंडामेंटल बाइस से नहीं, चूंकि बुल रन में ऐसे स्टॉक जो न्यूली लिस्टेड आईपीओ पर साइड जाते दिख रहे हैं इसमें काफी तेजी, जैसे इरेडा वाले स्टॉक में भी हमने देखा। यहाँ देखेंगे बहुत सारे लोगों ने आज लोअर सर्किट के प्राइस पर भी खरीदा, बाइंग 38.25, और यहाँ इजिली 24,000 रुपीज जैसे गेन भी दिखे।